दाल के पकोड़े। दाल के पकोड़े हो, क्या बात है। तो ये जी, ये इनकी खूबसूरत जो है वो शक्ल है माशाल्लाह, ये देखिए जरा। हो मीठा तैयार किया जा रहा है, फ्रूट्स के अंदर जो है कप बनाए जा रहे हैं। तो इसमें ये किस चीज़ का शेक है थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, मेज़ा आ गया और उसको इस तरीके से, और ये वाली शक्ल जी जी बहुत मज़े का है। क्या है कड़क कड़क। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिनते फातिमा ओल्ड होम जो कि एक खातून से शुरू होने वाला काफिला आज बेतहाशा कराची रोड इस्लामाबाद की माओ तक फैल चुका है, और इसी तरह फरजाना माँ की आज की रेसिपी भी मुकम्मल हो। तो जी देखते हैं आज की रेसिपी क्या है। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के लिए फरजाना माँ ने जो है ज़िम्मा लिया है। तो बताइए जी आज क्या बन रहा है माशाल्लाह। आज मैं आलू की टिक्कियाँ बना के उसके अंदर ये मटीरियल डालूंगी चिकन का ना। जी जी, चिकन के मटीरियल की तैयारी करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल लेके थोड़ा सा ही उसमें प्याज ला ली, थोड़ा सा प्याज किया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक डाला है, फिर सिर्फ एक टमाटर रखा हुआ है। सूखा धनिया जी जी, कुटी हुई लाल मिर्च बस एक चम्मच डाल, हल्दी थोड़ी सी, चाट मसाला, टमाटो केचप, चिली गार्लिक, थोड़ी सी चीनी, और इसके साथ इसके अंदर चीमा चला जाए। अभी कीमा थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसको भून के चूल्हा बंद कर दूंगी। क्या प्याज थोड़ा सा डाल देती हूँ जी जी, तो इसको आप क्या दम लगाएंगे? हाँ बस दम लगा दूंगी, अपना पानी छोड़ के ना जी, तो ये सारा हो जाएगा तैयार। तो आप ही बेसिकली अमेजा बना रहे हैं? ये अमेजा बन रहा है उसका। ठीक है, तो चले जी ये अफ्तारी के टाइम पे आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। आलू का पेस्ट है, इसमें आपने क्या डाला है? जीरा, नमक, नमक, जीरा और चाट मसाला बस। ठीक है, ये अमेजा बन गया। और इसको जो है इसमें डाल के, और इस तरफ जो है ये आलू का क्या है? आलू का। अच्छा, आलू बॉईल करके ना। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें पेस्ता अमेजा आ गया और उसको इस तरीके से, उसको इस तरीके से ना इसमें कवर कर दिया सारे का सारा, और ये वाली शक्ल इसको जी जी बहुत खूब। तो ये जी ये शक्ल जो है इनकी इस तरह से बनी है। क्या बहुत खूब माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत तैयार हो गया। तो अब इसको ब्रेड क्रम्ब और अंडे के साथ फ्राई करूंगी। जी जी, चलें जब फ्राई होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, तो ये जी आज की ये भी जो है इसमें इंक्लूड है। खजाना माँ से पूछेंगे ये क्या है? दाल के पकौड़े। दाल के पकौड़े हो, क्या बात है। तो ये जी ये इनकी खूबसूरत जो है वो शक्ल है माशाल्लाह, ये देखिए जरा। हो कैसे खस्ता खस्ता से, मूंग की दाल के, मूंग की दाल के पकौड़े, क्या बात है जी, बहुत खूब बहुत। तो यहाँ जो है बनते जा रहे हैं बहुत। तो इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें दाल मैंने ना सैली की भिगोई हुई थी, ठीक है, सुबह उसको मैंने खुशक करके तो मैश कर लिया, ठीक है, और उसमें पुदीना, धनिया, प्याज जी जी, नमक, कुटी मिर्च, लहसुन अदरक बस। तो उसके बाद ये इसकी शक्ल बनी। तो इसको जो आप चम्मच के साथ जो है वो डालते जा रहे हैं थोड़े, तो
तो वो इस तरह से जो है निकले हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। तो वैसे भी बात इसके देख सकते हैं, इसके अंदर जो है किस तरह का वो है, अंदर भी इसी तरह ही है या अंदर से कुछ सॉफ्ट है। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, ये जी तैयार हुए हैं, ये जी तैयार हुए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर भी जो है बहुत खूब माशाल्लाह जी। तो इसको जो है क्रम के साथ किया जा रहा है, और इसको जो है एग में डिप किया, और इसके बाद जो है क्रम के बाद जो है इसको क्या हुआ है जो है फ्राई, डीप फ्राई। अच्छा डीप फ्राई हो रहे हैं ये, बहुत माशाल्लाह, क्या बात है। तो जी ये जो है फ्रूट्स के जो है कप यहाँ पड़े हुए हैं, इसमें जो है मीठा तैयार किया जा रहा है, फ्रूट्स के अंदर जो है कप बनाए जा रहे हैं। तो इसमें ये किस चीज़ का शेक है थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा तो ये फ्रूट्स के अंदर, क्या बात है जी, बहुत इसी तरह जो है यहाँ भी जो है मीठा इनका जो है वैरायटी किया जा रहा है, बहुत खूब माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। और माशाल्लाह जो है इस वक्त यहाँ अफ्तारी जो है वो की जा रही है। यकीन जानिए ये उन तमाम लोगों के लिए है कि जो यहाँ पर, जैसे आज की अफ्तारी जो है वो मरहूम निगत जो है उनके लिए की गई थी, उनकी फैमिली की तरफ से सब माए जाए रोज़ा इफ्तार कर रही हैं अपना। और आप भी, मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी इस कार्य खैर में बढ़े, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिनते फातिमा ओल्ड होम जो कि एक खातून से शुरू होने वाला काफिला आज बेतहाशा कराची रोड इस्लामाबाद की माओ तक फैल चुका है, और इसी तरह फरजाना माँ की आज की रेसिपी भी मुकम्मल हुई। और मैं आपसे यही कहूँगा कि बिनते फातिमा एहतियात में याद रखिए 03212070463। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जजाकल्ला खैर। कैसा है फरीदा आपा, पकौड़ा कैसा है, मज़े का है, सॉफ्ट है, बहुत मज़े का है, क्या है, कड़क। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, कड़क का नाम दे दिया फरीदा आपा ने। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जजाकल्ला खैर।